हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। कभी कभी माँ के कुछ गलतियों के वजह से बच्चा क्या करता है, अपना ही गंदा पोटी खा लेता है। ये कभी कभी बहुत सीरियस कंडीशन भी होता है। इसके चलते बच्चा ब्लू कलर का पैदा होता है और उसको आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होता है। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी आपका 7, 8 या 9 मंथ्स चल रहा है या ड्यू डेट आसपास है तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे ये गलती ना हो। जनरली 37 वीक्स में क्या करते हैं, बच्चे ग्रीन कलर का पोटी पास करते हैं। अगर बच्चा ब्रीच बेबी है, उसका सर अगर ऊपर की तरफ है, तो जब आपका फिंगर चेकअप के लिए आप जाते हैं, अगर डॉक्टर ने टच कर दिया फिंगर चेकअप से और बच्चे को कुछ फील हुआ, सेंसेशन हुआ, उसी के चलते भी बच्चे क्या करते हैं, जो अपना फर्स्ट पोटी होता है ग्रीन कलर का, वो पास कर देते हैं। तो वो अगर बच्चे ने खा लिया तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ केस में खाली प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर बच्चा ट्रांसवर्स पोजिशन में है या बच्चा सही पोजिशन में उसका हेड डाउन है और उस कंडीशन में अगर बच्चे ने खा लिया है अपना गंदा पोटी, तो आइधर बच्चा खुश नहीं है या बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है या बच्चे के गले में नाट फंसा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको जैसे भी करके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने अपना पोटी खा लिया? पहले तो आपको पेट में बहुत ज़्यादा हलचल होगा या बच्चे का बिल्कुल भी हलचल नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो तुरंत जाके डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही है, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो अगर आप 7 या 9 मंथ्स के बीच में है आपका प्रेगनेंसी, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है और आपको बहुत सारा पानी पीना है। आपको बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। पानी पिएं, जूस पिएं, नारियल पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें। इससे भी क्या होगा, बच्चा जो गंदा पोटी करता है वो नहीं करेगा। और एक कंडीशन होता है, अगर आपका डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया डिलीवरी के लिए, पेन आने तक बच्चे के डिलीवरी को, उस टाइम भी किसी केस में, सारे केस में नहीं होता, चांसेस रहता है बच्चा क्या करता है, डिलीवरी प्रोसीजर के टाइम पोटी कर देता है ग्रीन कलर का और वो खा लेता है। तो उस केस में तो डॉक्टर होंगे ही, डॉक्टर अपना प्रोसीजर यूज़ करते हैं बच्चे को वो पोटी निकालने के लिए। लेकिन अगर बच्चा पेट में है और पोटी खा लिया, आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने पोटी खा लिया? तो आइदर आपको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ वाटर ब्रेक, मैं तो पूरा एकदम से वाटर ब्रेक हो जाता है, पूरा एकदम से पानी गिर जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा आपके अंडरवेयर में थोड़ा सा आपको स्पॉटिंग दिखाई देगा ग्रीन कलर का, या ग्रीन कलर का कुछ पास होते आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा हल्का सा भी आपको कुछ नज़र आता है ग्रीनिश कलर का, तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। वो एक केस है। सेकेंड केस, अगर बच्चा हलचल नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा हलचल करना है, तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ये गलती बिल्कुल भी ना दोहराएं। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपका अगर प्रेगनेंसी का 7 मंथ्स या 8 मंथ्स या 9 मंथ्स चल रहा है, 37 वीक्स कंप्लीट हो चुका है और बच्चा सही पोजीशन में है, डिलीवरी पोजीशन में आ गया है और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के चलिए। अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।